नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज चैनल। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति सज्जनगढ़ की लैम्स डूंगरा छोटा के नव निर्वाचित अध्यक्ष सुरेश मेरावत से आरपीडी न्यूज टीम ने लैम्स से संबंधित विशेष बातचीत की। बातचीत में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि लैम्स के अंतर्गत सरकार की ओर से दी जाने वाली किसान हितैषी योजनाएं क्षेत्र के किसानों तक पहुंचाना और लैम्स में किसानों को मिलने वाले ऋण की साख सेवा को बढ़ाया जाए, यह प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज विशेष बातचीत में बिरबल कड़वा के साथ अध्यक्ष श्रीमान सुरेश मेरावत की विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं डूंगरा छोटा के अंदर। यहां जो नव निर्वाचित अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करने जा रहे हैं सुरेश चंद्र जी मेरावत। काफ़ी लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, पूर्व में डायरेक्टर भी रहे हैं और पूर्व में लैम्स के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब इनसे बातचीत करते हैं कि अब इनके मुद्दे क्या रहेंगे और क्या एजेंडे रहेंगे, तो करते हैं विशेष चर्चा। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो साहब। ठीक, धन्यवाद जी। तो आप पहले लैम्स में अध्यक्ष कब रहे थे? 2006 से 12 तो काफ़ी, फिर तो लंबा अनुभव भी है लैम्स के बारे में, है न जी? जी, तो क्या कहना चाहेंगे, उनमें क्या स्थिति है लैम्स की और पहले लैम्स में क्या सुविधाएं होती थी और आगे क्या होनी चाहिए? अभी तो हमारे बॉस तक काश्तकार है ना जी, जी ऋण बिगड़ के बाकी आए बहुत रह गए जी, जी जी जो बाकी है उनकी सबकी डायरी लेके जी जी उनको लोन देने का प्रयास करेंगे जी जी जी। और जो भी खाद बीज है उनकी पूर्ति नहीं होगी, उसकी आपूर्ति भी बिल्कुल कराएंगे जी जी। जैसे ज़्यादातर किसानों की ये समस्या रहती है कि सही समय पे खाद नहीं आता, वजह क्या रहती है? आप तो देख रहे हैं। हाँ, वजह वो आगे से मिल नहीं रहा है सर। जी जी जी, उसमें थोड़ी ये वो शॉर्टेज हो जाती है उसके कारण। जी जी, अब हम स्टॉक में रखेंगे जी जी जी, माल स्टॉक रखेंगे, अप्रैल मई से चालू कर देंगे जी जी जी। उससे फिर वो, क्योंकि जिस समय किसानों को खाद की आवश्यकता होती है उस टाइम मिलता नहीं, उसके बाद में खाद आता है समस्या वो आ जाती है, इसलिए अब की बार स्टॉक में रखेंगे माल। जी जी, तो सरकार से क्या मांग रखते हैं? जी, सभी समय पे खाद मिले वही रखेंगे जी। साथ जो लोन बकाया है नहीं मिल रहा है उनको भी दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे जी जी। एक बात अध्यक्ष महोदय, एक बात सामने आती है, आप भी अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि किसानों की जो लिमिट की जो राशि है वो बहुत कम है। लैम्स वैसे देखा जाए तो किसानों का मंदिर है, सही बात, लेकिन हकीकत यह है कि किसानों को मजबूरी बस बैंक के बैंक है, उनके चक्कर निकालने पड़ते हैं, क्योंकि उस अनुपात में उनको जो ऋण की सुविधा वो लोन जितना चाहिए उतना लोन मिलता नहीं, तो उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? ना, उनको हम पूरा प्रयास करेंगे, जितना जरूरत पड़े उतना हम दिलाने की कोशिश करेंगे जी जी। और जो बकाया अऋणी है जी, उनको भी ऋणी में लाने की कोशिश करेंगे जी जी। इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं, इसके अलावा क्या सुविधा होनी चाहिए? जैसे बहुत सी लैम्पों में मिनी बैंक वगैरह की सुविधा भी रहती है, तो यहाँ किस प्रकार की सुविधा है? इसमें सुविधा नहीं है, वो कोशिश पूरी करेंगे हम सुविधा लाने की जी जी। वर्तमान में अभी चालू करेंगे, अब हम जी 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 पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा पूरा जी जी, हर किसान को फायदा मिले ऐसा जी जी। हाँ, किसानों पे सरकार बड़े बड़े वादे करती है, बीमा के नाम पे कंपनियां हैं किसानों से अवैध प्रीमियम भी वसूल करती है। लैम्सों में 3-3 प्रकार का बीमा होता है और हकीकत और कुछ भी करते हैं, उनका बीमा लाभ नहीं मिलता। तो उसके लिए आपने, क्योंकि पहले भी अध्यक्ष रहे, उस टाइम लाभ मिलता था या नहीं, या फिर वर्तमान में क्या स्थिति है? उस समय मिलता नहीं था, बड़ा पूरा पूर्ण ये विश्व करते हैं, काम करेंगे पूरा के बीमा सब किसानों का करवाएंगे, फसल बीमा भी करवाएंगे, खुद किसान का भी करवाएंगे। उनका बीमा तो होता है ऑलरेडी, लेकिन लाभ नहीं मिल पाता। हाँ, लाभ मिल नहीं पा रहा, सरकार से आगे से पैसे नहीं आ रहे हैं जी जी, समस्या वो आ रही है जी जी। तो किसकी कमी मानते हो? सरकार की कमी मानते हैं क्या? सिस्टम वही उनका ही खराब है जी जी जी, कहीं कहीं तो वही पैसे अब वहाँ से आएंगे तब लैम्स व्यवस्थापक वही देंगे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे। बाबू जी, लैम्सों के अंदर खाद नहीं पहुँचता और प्राइवेट जो डीलर है उनके पास पहुँच जाता है। हाँ, वो तो जरूरी है, पर ऐसा हमारे डूंगरा में नहीं होता है, वजह नहीं ऐसा, वो तो अब 2 नंबर में कहीं से भी ले आते हैं सर। हमारे डूंगरा में तो वैसे अभी बारिश के समय हमारा शॉर्टेज नहीं आती, ये अभी जनवरी फरवरी में शॉर्टेज आ जाती है जी जी। बारिश में तो हमारे फूल खा देता है डूंगरा में जी जी जी। कोई उसमें बिल्कुल शॉर्टेज नहीं आती जी जी। तो यहाँ जैसे अपने डूंगरा की बात करते हैं तो PDS वगैरह की सुविधा भी है? हाँ है न, वो भी है, राशन वगैरह की टोटल सुविधा यहीं पे, पूरी सुविधा, राशन आसन गेहूं है वो सब टोटल मिलता है सभी लोगों को जी।
जैसे अब की बार राजस्थान सरकार का या अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र था, किसानों के का लिए कैसा मानते हो आप? किसानों के लिए अच्छा रखा है, वैसे लाइट फ्री की है सरकार ने। जी जी। लोन वो बढ़ाया नहीं, बड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे उनको, क्योंकि लोन बहुत कम राशि में देती है सरकार, 5,000-10,000 लास्ट। मैं खुद ही बहुत बड़ा काश्तकार हूँ, मेरे भी लास्ट 25,000 की ये है, इससे ऊपर नहीं देती है सर। तो लिमिट बढ़नी चाहिए, लिमिट बढ़नी चाहिए बस, ताकि किसानों को थोड़ा फायदा हो। बैंकों के चक्कर नहीं निकलता, तो वहाँ उनको जाना नहीं पड़े बैंकों में। इसके अलावा केंद्र सरकार का बजट, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार का बजट तो केंद्र सरकार का, अभी तो केंद्र ने गेहूं बंद कर दिए, अभी तो राज्य सरकार ही दे रही है 1 महीने का। जी जी। केंद्र ने कहाँ दे रही है, अभी बंद कर रखा है। जी जी। आपका यहाँ बीजेपी का बोर्ड बन रहा था ऐसा सुनने में, सदस्य बीजेपी के थे, कांग्रेस का बोर्ड बना दिया, ऐसे चमत्कार कैसे? सर ये सब लड़ाई के चक्कर में सब हो गया, क्या करो, लड़ाई पड़ गई थी बीजेपी में, तीन उम्मीदवार हो गए थे। जी जी। हाँ तो उसका फायदा आपको मिला, आपको मिला, हमको मिल गया। जी जी जी। आप तो बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के काम करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई अपने भेदभाव नहीं। जी जी। वो भी तो अपने पास आए तो अपने ही आदमी थे कि। जी जी जी। विश्वास से आए तो उनका काम जरूरी है, कोई पार्टी का कोई भेदभाव नहीं रखे। जी जी। आपको इस क्षेत्र के किसानों ने, गाँव के लोगों ने मान सम्मान, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? दो शब्द उनके लिए, बहुत धन्यवाद, और उसके बड़े आभारी है हम, उन्होंने हमारा विश्वास करके हमको जिताया। जी जी। और चेयरमैन तक ले गए, इससे उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। जी जी जी। हाँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो ये थी हमारी खास मुलाकात डूंगरा छोटा के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है सुरेश जी। मेरा तो उनका कहना है कि सरकार के द्वारा जो भी योजना आती है वो हम प्रत्येक किसान तक पहुँचाने का हर संभव बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के करवाते रहें। धन्यवाद सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।